नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय और फिर से आ गया हूँ आज़ादपुर मंडी। और आज 15 अगस्त है, स्वाधीनता दिवस है, और आप सभी भाइयों को हैप्पी स्वाधीनता दिवस। और मेरे फैमिली में जितने भी भाई लोग हैं सबके लिए खास खबर, मेरे चैनल पे होलसेल दिल्ली वाले चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर होने पर तो मैं फिर से आवाज दे रहा हूँ फिर से। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। कमेंट वालों को मिलेगा जो सब्सक्राइबर है मेरे, वो जो भी कमेंट करेगा उन कमेंटों को लेके आज से, आज के वीडियो से, आज के दिन जितने भी कमेंट आएंगे सारा लिया जाएगा। और उन कमेंटों को किसी एक भाई को मिलेगा वाच। आप कहीं भी बैठे हो देश के बाहर विदेश में भी, तो आप अगर कमेंट कर दिए और सब्सक्राइब करके रखे हुए हो तो आपका नाम आ सकता है लिस्ट में, और उसमें एक लॉटरी होगा जिसको एक भाई को मिलेगा क्या वाच। और कम से कम 1200-1300 रुपये का वाच होता है। तो मैं हर 5000 सब्सक्राइबर पे दोनों चैनलों पे वाच देने का वादा किया हुआ है। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो। तो अभी आगे बढ़ता हूँ, आज थोड़ा फन करेंगे लोगों के साथ, मिलेंगे जो पटरियों में बैठे हुए हैं इनके साथ आज मौज मस्ती करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे। और यहाँ पे भाई मिले हो, भाई क्या नाम है? रोशन भाई है भाई। मुझे देख के बोला भाई क्या आईडी है, तो मैंने आईडी बता दिया है होलसेल ब्लॉग और होलसेल दिल्ली, दो यूट्यूब चैनल है हमारा। तो दोनों को सब्सक्राइब करना। क्या करते हो आप? मंडी में काम करते हैं। मंडी पे काम करते हो? कितना मतलब कितने साल से? एक साल हो गया। कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले, समस्तीपुर जिला। तो शादीशुदी हो गया? नहीं हुआ। कितना उम्र है? 18 साल। अरे क्या 18 साल बता रहे हो? 18 साल बता रहे? देखो यार मेरे सामने देखो तो कैसा लग रहा है यार। 18 साल है। चलो भाई, थैंक यू भाई। तो गाइस देखो, ये पपीते का गाड़ी है और इसी तरीके से ये लोडिंग आता है। और इस गाड़ी पे कम से कम लगे हुए मजदूर भाई लोग, जो पल्लेदार भाई लोग, कम से कम 15-16 बंदे है यहाँ पे। हाँ, तो और यहाँ पे जो है ना, इसके ऊपर कम से कम 15-16 आरती जो सेमी होलसेलर है वो लोग मिले हुए हैं जो इस माल को खरीद के ले जा रहे हैं। और इसमें माल है कम से कम 19-20 टन माल आता है। और 15 टन है, और 19 टन भी आता है ना किसी किसी में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है माल कहाँ का है? ये हमें पता नहीं, लोगों को गाड़ी वाला ही पता नहीं है। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे डील होता है। तो इस गाड़ी का रेट अलग होता है, यहाँ पे कच्चा माल आता है बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाय ये चल रहा है, देखो नींबू की सफाई इस तरीके से होता है, नींबू की सफाई देखो। बाबूजी लोग दो दो बंदे मिलके, एक बंदे भी करते हैं मगर यहाँ पे ज़्यादा माल है। और देखो अभी साफ होके निकाले गए, बिल्कुल बिल्कुल साफ हो गए होंगे। दिखाओ दिखाओ कैसे, देखो। अरे अरे तो माल साफ हो गया ना, ये सारा साफ किया। देखो ये माल देखो बिल्कुल साफ हो गया है और इस तरीके से चमक आ जाता है। भाई इस एरिया में देखो कीचड़ कीचड़ तो है बहुत ही, चमकता हुआ कीचड़। क्या है? पैसा है। हाँ सही बोल रहे, ये पैसा है बता रहे। तो भाई देखो इसीलिए यहाँ पे ना चलने में हम लोग आते नहीं है, कम आते हैं। और ये लहसुन का एरिया है देखो, यहाँ से आगे से आगे दो चार शॉप है और इधर से लाइन से लगा हुआ है शॉप। हाँ, और यहाँ पे देखो ये लोग पल्ले बाजार सारे भाई लोग बैठे हुए, इनका बिना जीना नहीं है इस देश में। होलसेल ब्लॉक, होलसेल दिल्ली। तो गाइस देखो ये है, तो लहसुन का रेट पूछ के चलते है, एक कली बना के बेचते है इसको। भाई साहब कली क्या रेट दे रहे हो? अरे भाई साहब कली 240। ये 240 कौन सा कली है? ये एमपी का लहसुन है भाई, 240 रुपए किलो। और ये वाले 300 रुपए। ये कौन सा माल है? ये भी एमपी भाई, ये भी एमपी बता रहे हैं। देखो भाई, भाई देखो ये भाई लोग भी मेहनत कर रहे हैं सुबह सुबह। इनका बिना तो कोई भी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आरती है ना, इनका बेकार है जिंदगी। मगर तो भी इनका इंटरव्यू लेने को मना करता है, मगर आज फ्री हूँ, आज इनसे मिलने आ गया हूँ। तो देखो भाई लोग लेने आया, क्या रेट दिया भाई?
1000 रुपए किलो 200 रुपए किलो भाई बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल साफ सुथरा माल है। देखो गाइस क्या है, कौन सा आम है भाई? ये रामकेला आम है भाई। देखो ये वाला क्या रेट है? 200 रुपए धरी। और ये 220। ये 220 क्यों? ये मीडियम है, मोटा। वो मोटा है, उसका रेट कम हो गया, इसका रेट ज्यादा हो गया। वाह भाई बहुत ही बढ़िया, अच्छा माल है। तो गाइस देखो पीछे भाई लोग हैं, ये लोग मंडी में माल लेते हैं ना। भाई तुम कहाँ से हो? भाई हम तो बहुत दूर से है भैया, सामने से ही। कहाँ से आए हो? अरे यहाँ से ही हूँ भाई, मंडी रिपोर्ट करता हूँ मैं, आज फ्री हूँ इसलिए आज रिपोर्ट नहीं ले रहा हूँ ना। ब्लॉक बन रहा है, ये होलसेल ब्लॉक है, होलसेल दिल्ली है, किसी में भी आएगा। दिल्ली से नाम आ जाएगा? हाँ होलसेल दिल्ली मारोगे तो आ जाएगा, होलसेल दिल्ली मंडी नहीं हूँ। यूट्यूब पे? हाँ क्रोम पे नहीं आएगा? क्रोम पे भी आ जाएगा, गूगल पे भी आ जाएगा, कहीं भी सर्च करोगे। होलसेल दिल्ली? हाँ होलसेल है, होलसेल दिल्ली और होलसेल ब्लॉक दो चैनल है। चलो भाई थैंक यू, थैंक यू भाई। भाई देखो ये कौन सा लोशन है भाई साहब? भाई देखो माल, देखो आपको माल दिखा रहा हूँ, बिल्कुल साफ सुथरा माल है, माल है। सबसे बारीक लहसुन दिखा रहा हूँ भाई, सबसे बारीक। भाई ये कहाँ का लहसुन है भाई? हाँ बता भाई, ओ भाई बताओ भाई, यहीं का दिल्ली का भाई। कौन सा? दिल्ली का। दिल्ली का है, नाम तो बताओ, इस लहसुन का नाम क्या है? एमपी है। ओके क्या रेट दे रहे हो? 200 रुपए किलो है। देखो ऐसे ये लोग ना साफ सफाई करके देते हैं माल को, और आप समझ में आ रहा है जो दिल्ली के लोग क्या पसंद करते हैं, दिल्ली का लोग साफ सफाई पसंद करते हैं। ये हाँ। ये अभी बताओ, ये आपने तो फेंका होगा, आपका जैसे कि किसने फेंका? बोल कर्मचारी को। हाँ क्यों? सफाई वाला ने बोला है हुआ है जो यहाँ पे फेंको, जहाँ पे कचरे का ढेरी बनता है वहाँ पे फेंक नहीं सकते आप लोग, आप लोग यहाँ पे फेंक देते हो, बोलते हो जैसे भी आके उठा के लेके जाएगा। हमारे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं कल, और उसी खुशी में फिर से आवाज देने वाला हूँ ऐसा, तो बने रहिएगा। और यहाँ पे भैया लोग तो रेट बताने वाले नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बाबूजी से आज पुदीना का रेट ही पूछ लेता हूँ। बाबूजी पुदीना क्या रेट दिया आज? 60 रुपए किलो। भाई बहुत अच्छा रेट बता दिया, 60 रुपए किलो। 15 अगस्त के दिन झूठ बोलेंगे तो 60 रुपए किलो तोलेगा सर? 60 रुपए। ठीक है तुम बता दो तो क्या रेट मिला है तुमने? तो लिया 150 रुपए किलो बेच रहा है। 150 रुपए किलो? अभी लिया 150 रुपए किलो। ओके ओके ओके, चलो थैंक यू भैया, याद रखेंगे, इसलिए तो लेते नहीं। भाई भाई इधर आओ, नाम क्या है तुम्हारा? संदीप। संदीप इसलिए तो मैं लेना बंद कर दिया हूँ अभी 2-3 दिन से, आज पहली बार लिया हूँ। तो गाइस पुदीना वाले ने तो जानते ही हो आजकल हर कोई झूठ बोलता है, और अभी यहाँ पे 2-4 भाई मिल गए थे जो रेडी पटरी वालों से इतना इतना करके मुट्ठी भर अपना सारा सामान उठा के लेके जा रहे थे फ्री में। बहुत ही गलत चीज़ें हो रहे हैं, मगर हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जागरूक है नहीं। और यहाँ पे मैं क्या ही बताऊँ आजकल, भाई हम कुछ कर नहीं सकते, आपको जो करना है आपको करना है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इतना खतरा है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे मिर्ची में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बाबूजी बैठे हुए हैं। आज पूछते हैं आज का दिन क्या भाव चल रहा है, और आज सब्जी का बंद करो। तो गाइस मिर्ची का तो आपको दिखा दे रहा हूँ, गाड़ी है, और आज मिर्ची पुदीना और धनिया खुला है ना, बस बाकी सारे चीजें बंद है, और बाकी जो रेडी पटरी वाला बैठते हैं आज। और बाबूजी आज बताइए आज गाड़ियों में कितना माल है, क्या रेट चल रहा है? बाजार बहुत उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टाना बिका 35-40 रुपए। ओके उल्टे। और भावना? पेप्सी बिक्री 15 रुपए। पेप्सी 15 रुपए। और भावना? भावना 35-40 रुपए। 35 उल्टा हो गया, उल्टा है रेट, आज उल्टा पलट गया। माल जाता था मार्केट बंद थी, दिल्ली बंद हो गया, दिल्ली बंद है इसी वजह से ना, तो ज्यादा तो माल काली बिक गया होगा रात रात को, बिका का इधर उधर गया माल, वो इधर उधर गया हुआ है। ओके तो गाइस देखो बाबूजी ने काफी अच्छा बात बता दिया है, तो ये आपका कितने शॉप है मिर्ची के? हमारे एक दो ही है ना, आप कभी उधर कभी इधर देखता हूँ, इसलिए पूछता हूँ। तो भाई ये ब्लॉग में शॉप है बाबूजी का, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कल फिर से मिलेंगे, कोशिश करेंगे। थैंक यू बाबूजी, ठीक हो?
भाई मनोज भाई से मिलने आ गया हूँ, और पुदीना और ये तीन आइटम खुला हुआ है ना, तो इसका क्या भाव बाजार है? चल रहा है 100-110। कहाँ का माल है? नासिक। और वहाँ का आ रहा है या नहीं? क्या बोलते हैं, बेंगलोर? बेंगलोर भाई आया है, लेकिन 1000 रुपये धरी है। 1000 रुपये धरी? 200 रुपये किलो? 1000 रुपये धरी आ रहा है या नहीं? आया हुआ है ना, 50-60 नग आया हुआ है, इसीलिए थोड़ा महंगा ज्यादा है। इसका तो 1000 नग होगा। 25 गाड़ी है भाई आज, 25 गाड़ी आया हुआ है धनिया के भाई, काफी अच्छा नासिक। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो गाइस देखो, लूज में भी मिर्ची पूछ के जाता हूँ, यहाँ पे मासाखोर भाई लोग क्या रेट दे रहे। तो ये कौन सा सोल्जर है? गोल्डाना। क्या रेट दे रहे हो इसका? 200 रुपये धरी भाई, 200 रुपये धरी चल रहा है। और ये वाले लाल पीला हरा नीला वाला? लाल 10 रुपये। 10 रुपये किलो? मात्र 10 रुपये किलो जा रहा है भाई। भाई ये भी ले जाओ और तेल में डाल के रख दो, कसम से बोल रहा हूँ, सुखा के एक दिन सुखा और तेल में डाल के रख दो, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा और स्वाद भी अलग आएगा, कच्चा खा सकते हो। और धनिया किसका है? ओ उधर है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे भी ये वाला भी है, ये इस मिर्ची का भी रेट पूछते हुए चलते हैं। भाई जी ये कौन सा मिर्ची है? गोल्डाना। ये भी गोल्डाना ही है? ओके ओके ओके, तो चलो भाई रेट का तो पता चल ही गया होगा आपको। ये देखो इधर भी लाल मिर्ची वाला और है। अरे आंटी जी कैसे हो? ओ भाभी जी सॉरी, ये कैसे दे रहे हो? बहुत दिन बाद मिले आप, क्या रेट दे रहे हो? 120 धरी भाई, 120 धरी है। ये कौन सा मिर्ची बोलते इसे? लाल मिर्ची। लाल मिर्ची तो है, मतलब ये तो दूसरा गोल्डाना है, भावना है, भावना है, भावना है, भावना है। ओके ओके, देखो बहुत सारे लाल मिर्ची है। तो इधर देखो आंटी जी आ गए 10 किलो लेने। भाई देखो यहाँ पे देखो सारा गोल्डाना बेच रहे हैं आज, गोल्डाना देखो। बुलदाना है 20 रुपए किलो, जो वहाँ पे आगे 40 रुपए किलो, 45 के बाजार है, 40 के नहीं है। तो आप कैसे दे रहे हो 20 रुपए किलो? दागी है। दागी कहाँ से दागी है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये सब दागी पड़ रहा है। कहाँ दागी पड़ रहा है? लाल है, लाल भी है। ओके लाल पड़ रहा है, हाँ इसीलिए इसका रेट मतलब 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। ओके ओके ओके, तो आप कितना किलो दे देते हो मिनिमम? मैं 150 रुपए दे दूंगा। ना ना ना, मतलब कम से कम 30 रुपए। लूज वाले को जो एक पाव आधा के जी वाले कितना? आधा 50। और जो वो है आधा किलो तो देते हो? आधा किलो भी देता हूँ, 1 किलो भी देता हूँ। 1 किलो आधा किलो का क्या रेट लगेगा? आधा किलो को 30 लेता हूँ, 1 किलो 50 लेता हूँ। तो ये तो नाइंसाफी है, तुम 20 रुपए बोल रहे हो रेट। 20 रुपए धरी के लिए है ना? हाँ वो बताओ ना, धरी का 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मत बताओ, धरी बताओ, पूरा धरी का धरी दूंगा। कंसेशन लग जाता है। हाँ वो बताओ ना, धरी लोगे तब 5 किलो मिलेगा, 5 किलो का रेट लगेगा 20 रुपए करके। हाँ ऐसा बोलना चाहिए ना, लोग गुमराह कर देते हैं ऐसे। गाय ये ए ब्लॉक, इधर बी ब्लॉक है, और ये डी ब्लॉक, और इसका चौड़ाया भीड़ आज भी है 15 अगस्त के दिन, क्योंकि सब्जियां कुछ आया हुआ है कल रात को और वो अब सेल होंगे। और आज भैया का ना प्रमोशन करने जा रहा हूँ, भैया का एक चैनल है, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, छोटा सा ही है, शॉर्ट चैनल है भैया का। तो भैया आज अपना चैनल दिखाओ, मैं आज आपका प्रमोशन करने आया हूँ। और आपका कोई भी व्यूअर देख रहे हो, भैया को पहचानते हो तो भैया को ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन करने का कोई पैसे नहीं है, बस सब्सक्राइब करना होता है। तो भैया आपका चैनल का नाम बताओ? सोनू श्रीवास्तव। तो एक बार चैनल मोबाइल में निकाल के दिखाओ ना, तभी तो लोगों को पता चले जो कौन सा चैनल है। भैया काफ़ी दिन से बोल रहे थे जो भाई मेरा भाई थोड़ा सा प्रमोशन कर दो, और हम मुँह पे बोल के बोलते हैं भाई हम प्रमोशन करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो नाम दिखाई दे रहा है, सोनू श्रीवास्तव, 266 सब्सक्राइबर है, और शॉर्ट वीडियो में ज्यादा डील करते हैं ना भैया। तो दिखा देता हूँ, देखो ये शॉर्ट वीडियो में डील करते हैं, सब्जियों का दिखाते रहते हैं। तो इनको ज्वाइन कर लेना, जिससे आपका आइडिया लग जाए, और कुछ अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। देखो भैया घूमते भी है, टोटल बढ़िया ब्लॉग टाइप का बना रहे हैं। तो लॉन्ग वीडियो में डील करते हो या नहीं?
थोड़ी बहुत कभी कभार तो देखो बार। ये देखो यहाँ पे भी एक दो मिनट का डालते तो आप ज्वाइन कर सकते हो सोनू श्रीवास्तव के नाम से। तो देखो तो भैया बताओ खुश हो गया तसल्ली और भी चाहिए? कभी फ्री रहूंगा आऊंगा। आज प्रजातंत्र आज मतलब स्वाधीनता दिवस है तो मैं सोचा यार आज सभी से मिलूं देखूं जाके मंडी में कौन कौन आया हुआ है। ऐसे तो आज सब्जी का इलाका बंद है और खाली दो तीन चीज ही ओपन है, एक मिर्ची एक पुदीना और एक हरी धनिया, बाकी सारा आया हुआ नहीं है, बंद है। तो ये पहले ये कल रात का ही माल है जो आया हुआ है, ताजा माल है, ये ताजा माल आया हुआ था ना। ओके, इसका रेट वेट नहीं पूछना है हमें, आज रेट की जानकारी नहीं दे रहे क्योंकि जिन चीजों आज बंद है तो बंद है। आज बस ऐसे घूम रहा हूँ जो देख रहा हूँ जो क्या बाजार में कौन सा चीज मिल रहा है, थोड़ा जानकारी भी देना चाहिए रिटेलर वालों को, जो घर वाले हैं वो भी सोचेंगे यार मैं भी जाऊँ घूम के आऊँ आजादपुर मंडी, तो उसके लिए आया हुआ हूँ। तो भैया जी ये बताओ आप क्या फील कर रहे हो आज स्वाधीनता दिवस है? बोर हो रहा हूँ बैठे बैठा, सब छुट्टियों का टाइम है, सब घर बैठे, हम भी सोच रहे हैं माल बेके थोड़े बहुत आए हैं ओके, हम भी घर जाके बैठे हैं आगे अपने बच्चों के साथ। असल बात है सरकारी छुट्टी आज। हाँ मेन बात है जब मंडी पे आ जाते तो बिजनेस के लिए ही बात होता है ना, और जब घर पहुंच जाते तब जाके कुछ और बातें किया जा सकता है। और ऐसा आज स्वाधीनता दिवस है तो वंदे मातरम तो बोल दिया जाए भैया। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, आप भी बोलिए। तो चलते भैया गाइस, जो इस एरिया में ना केले मिल जाएंगे तो केले का रेट पूछते हुए चलते हैं। भैया ये केले क्या रेट दिए? 40 है, 50 है। 40 कौन सा? 40 है, 50 है। 40 ये है, 50 ये है, और आपके पास ये वाले? ये दोनों एक ही है। एक ही है, थैंक यू भैया जी। तो देखो बाहर सारे भाई लोग हैं यहाँ पे रिटेल में देते हैं, मतलब आप ये 30 रुपए है या 40 रुपए? वो 30 रुपए या 40 रुपए। देखो मंडी का अंदर आ जाओ और मिल जाएगा केले। कहाँ पर आओगे? डी ब्लॉक, बी ब्लॉक, ए ब्लॉक की चौराया, बिल्कुल सही बात है ना बाबू जी। तो आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे भी है, बहुत सारे भाई लोग हैं बेचते हैं। देखो केले सस्ते से सस्ता केला यहाँ पे मिल जाएगा आपको, अगर घर के लिए लेके जाना है खाने के लिए सस्ते में चाहिए तो मैं भी यहाँ से ले जाता हूँ कभी कभार। दीदी मटर क्या रेट दिए? 80 रुपए भाई मटर, 80 रुपए। भिंडी? भिंडी 40। देखो भाई मटर और भिंडी कितना लोगे? ये रिटेल में भी दे देते हैं, ये सारा रिटेल का वीडियो है आज। और ये भाई ये लहसुन क्या रेट है आज? 190 भाई। देखो छिले हुए बक्कल छिले हुए, यहाँ फूल गोभी मिलेगा जो हल्का सा डैमेज है मगर सारा सही है, बिल्कुल बढ़िया माल है। ऐसे 250 रुपए भाई, 250 रुपए बता रहे। देखो भाई देखो यहाँ पे भी मटर है, भाई से भी पूछे 100 रुपए किलो। हाँ बिल्कुल 100 रुपए फ्रेश है ना, बिल्कुल फ्रेश आइटम देखो भाई बेच रहा है 100 रुपए किलो, थैंक यू। तो देखो पत्ता गोभी भी है यहाँ पे, पत्ता गोभी क्या रेट है आज? 20 रुपए किलो। 30 रुपए भाई, 30 रुपए किलो भाई पत्ता गोभी। देखो भाई पत्ता गोभी दिखाई दे रहे इस जगह में भी। तो पत्ता गोभी भाई, हो भाई पत्ता गोभी 200 रुपए धरी भाई, 200 रुपए धरी। कहाँ का माल है ये? राजस्थान का माल है भाई, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? वही तो मैं बोल रहा हूँ, शिमला। हाँ हापुड़ और शिमला, हापुड़ कहाँ पे? राजस्थान में है ना, यूपी में है? अरे यार झूठ बोल देते हो यार, जब पता नहीं है तो मना कर दो भाई। यहाँ पे दो जगह का आ रहा है, एक तो नासिक आ रहा है, शिमला आ रहा है, और कौन सा जगह से आ रहा है? हाँ शिमला और नासिक, बेलगांव। देखो भाई दो ही जगह से आ रहा है, दो तीन मतलब साउथ से और ये हमारा हिमाचल के एरिया जो उत्तराखंड साइड में है। तो गाइस देखो यहाँ पे शिमला मिर्च है और फूलगोभी का रेट तो आपको पता चल गया है। यहाँ पे ये है लौकी, लौकी बाबू जी क्या रेट है? लौकी 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो लौकी है भाई, रिटेल में ले जाओ। और शिमला मिर्च, ओ भैया शिमला मिर्च साठ रुपए किलो भाई शिमला। चालीस रुपए किलो भाई, बहुत ही बढ़िया गोभी, सुपर गोभी। और देखो ये 45-50 को लिया होगा और 60 रुपए में बेच रहा है, बताओ 10 रुपए रख के, और बाहर यहाँ पे मिलेगा 80 रुपए 100 रुपए। तो आप आओ मंडी के अंदर और रिटेल में भी सब्जियां ले जाओ, कुछ इन भाइयों को भला हो जाएगा जितने भी भाई लोग हैं। भाई देखो यहाँ पे नींबू है और अदरक है, तो भाई ये नया अदरक क्या रेट दे रहे हो आज?
70 रुपए भाई। देखो मात्र 20 रुपए रख के 25 रुपए 30 रुपए किसी किसी में मिल जाता है, वो रख के आपको सेल कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया, काट के भी साफ सफाई करके बिल्कुल बढ़िया अदरक। और कॉलोनियों में जाएंगे हाँ, तो 50 रुपए पाव बेचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है छाट वाला, ये वाला 50 रुपए किलो 50 रुपए किलो भाई। और नींबू का क्या भाव बजा रहे हैं? हाँ बता बता। नींबू नींबू 120 रुपए किलो 120 रुपए। तो गाइस देखो भाई लोगों ने बताया जो यहाँ पे कचरा होता है भाई, कचरा फेंकने वाले तो हम ही लोग हैं। हाँ हाँ सही बात है। यहाँ पे जो कचरा फेंक रहा है, जहाँ पे गोदाम में कचरे का जगह बनाया गया है ना, वो आगे बनाया हुआ है। हाँ वहाँ पे जाके फेंको, कचरा होगा ही नहीं। ये लोग क्या है यहाँ पे फेंक देते हैं अपना फायदे के लिए। आएगा जैसे भी उठा के लेके जाएगा, वो भी कब तक करेंगे। यहाँ पे हजारों लाखों आदमी आते हैं। तो गाइस देखो भाई ये हाइब्रिड वाला माल है, और हाइब्रिड दाना ऐसा होता है। हाँ देखो यह हाइब्रिड लहसुन है, और यहाँ पे देखो तोरी भी है। तो भाई तोरी क्या रेट है भाई? तोरी 200 रुपया धरी 200 रुपया धरी। बहुत बढ़िया रेट है। देखो तो चलो देखो 190 लगा दूंगा बता रहे हैं। अरे ले लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आज क्या क्या मार्केट में है, और बीच बीच में घूमना चाहिए। और आज ओहो ये देसी परमल भी है, क्या रेट है भैया? 80 रुपए। और ये करेला? हाँ करेला 60 रुपए। और ये जो लौकी है गोल वाले? लौकी 80 रुपए 80 रुपए भाई देखो। हाँ देख लो। धरी बता रहे हो या क्या बता रहे हो? किलो बता रहा हूँ। ये 80 रुपए किलो? किलो भाई ये तो झूठ लग रहा है मुझे। झूठ लग रहा है ये इसका, ये लौकी का 40 रुपए 40 रुपए। भाई बनाने का बात नहीं है, मैं डेली रिपोर्ट लेता हूँ। आज आ गया हूँ घूमते घूमते, तो तुम झूठ बोल दोगे मुझे, मैं विश्वास कर लूंगा। रोज का रिपोर्ट लेता हूँ 40 रुपए। तो वो बताओ ना, सच बताने में क्या दिक्कत आ रहा है जो दे रहे हो? क्या पता मैं ही ले जाऊँ 1 किलो। मेरे वीडियो देख के क्या पता 10 आदमी आ जाए यहाँ पे। 5,000 10,000 लोग देखते हैं हमारा वीडियो। हाँ बात सही है भाई। देखो यहाँ पे टमाटर भी मिल जाएगा। टमाटर क्या भाव दे रहे हो भाई? 40 रुपए किलो। तो गाइस देखो कितना किलो क्रेट कितने का आ रहा है? 800-900 रुपए का, 1,000 रुपए का यहाँ बिकता है। ये कौन सा है? हाइब्रिड है। हाइब्रिड कौन सा? बेंगलोर या कहाँ? नहीं बेंगलोर नहीं, बेंगलोर नहीं है ये हाइब्रिड है। बेंगलोर 1200 रुपए 1200 रुपए किलो हो गया। नहीं क्रेट क्रेट यार, कल का रिपोर्ट कुछ अलग था, यहाँ पे 1200 तुम बता रहे हो, गलत बात बता रहे हो भाई। कल का और जाएगा ऊपर? ना कल 1200 था, कल भी और ऊपर जाएगा। कल भी ऊपर जाएगा। चलो कल मैं रिपोर्ट लिया करूंगा, कल देखूंगा कहां से माल बिक गया ये 1200 रुपए का। चलो 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 अच्छी बात है, इतना रेट तो गया नहीं है, 700-800 का क्रेट गया हुआ है। अब बता रहे हो कोई बात नहीं, ले अपना रिटेल का काम है करो। तो गाइस देखो यहाँ पे गाजर है, और भैया वो गाजर वाले भैया वो आगे बैठे हुए देख रहे हैं मुझे एकदम। देखो भैया हाथ तो हिला ही दो हल्का सा, देखो हाथ हिला दिया। देखो भैया जी ने, देखो भैया जी बैठे हुए गमछे लगा के, तो ये गाजर वाले भैया है। तो भैया जी से पूछते, भैया ये देख क्या रहे हो कितने रेट में? ये टमाटर है 200 रुपए धरी 200 रुपए 5 किलो। तो कल का क्या भाव था आपने जब लिया था ये होलसेल में? 900 रुपए क्रेट लाए। 900 रुपए क्रेट कल 900 रुपए का। ये कहाँ का माल है? ये बेंगलोर या हिमाचल? बेंगलोर नहीं है ये, हिमाचल रतलाम वही बेंगलोर साइड का, साउथ का ही माल आया हुआ है ना। ठीक है चलो कोई बात नहीं, साउथ का थोड़ा महंगा है। और ये जो है आपका गला सरा हुआ, ये भी बेचते हो? ये भी बिक जाता है। बिक जाता है, ये कौन लेके जाता है? होटल वाले ले जाते हैं यार। सही में गाइस मैं ना होटल से खाना बंद कर दिया, रियल में बोल रहा हूँ। जब से मैं मंडी में घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ, मैं होटल बंद कर दिया, बिल्कुल बंद, टोटल। सही में बाबूजी मैं बता रहा हूँ, मैं बंद कर दिया, मैं तो कुछ भी नहीं खाना। बढ़िया बढ़िया होटल वाले नहीं ले जाते, ढाबा वाले ले जाते। वही तो बात है ना, सोचना चाहिए लोगों को जो हम क्या बेच के खा रहे हैं। ज्यादा गला हुआ भी लेके चले जाते हैं पैसे के बचत के चक्कर में, पेट खराब हो जाते हैं इससे। तो गाइस देखो यहाँ प्याज भी मिलेगा। बाबूजी प्याज क्या रेट दे रहे हो? 40 रुपए। और वहाँ से कितने में ले रहे हो अभी? 5 रुपए रख रहे हो यहाँ पे? तो यहाँ पे जो बैठे हो इसका भी पैसा देते होंगे? नहीं देते हो, फ्री? चलो तो अच्छी बात है, फ्री है तो ठीक है। तो दिन में कितना किलो बेच लेते हो? 250-300 किलो। चलो अच्छी बात है, मतलब 2,000 रुपए तक का पड़ जाता है। चलो अच्छी बात है। चलो ये कौन सा प्याज है? नासिक प्याज है। अब तो राजस्थान कम आ रहा है ना, नासिक ज्यादा आ रहा है। चलो थैंक यू।
तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सारे एरिया जो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये एरिया में प्याज का होलसेल व्यापारी लोग बैठते हैं, जो आरती लोग है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। ये 20 नंबर सेट है यहाँ ये, और डी ब्लॉक और सी ब्लॉक से आ जाओगे ना, सी ब्लॉक के गेट से, तो इधर ये मिल जाएंगे आपको। भाई देखो यहाँ पे लाल आलू भी है, तो लाल आलू का भी रेट पूछ के जाते हैं। भाई लाल आलू क्या रेट दिया भाई? 150 धरी भाई, 150 रुपए धरी है। और ये वाले आलू 160 रुपए आलू भाई। ये कौन सा आलू है बाबू जी? चिप्सोना। और वो सूर्या भाई, सूर्या वो गिल्ला वाला सूर्या है क्या? सूखा वाला। तो भाई देखो बाबू जी लोग बेचते हैं बहुत, कितना मार्जिन? 5 रुपए 10 रुपए रखते हो? 2-4 रुपए भाई, देखो 2-4 रुपए रख के यहाँ पे मंडी के अंदर सेल करते हैं। और मंडी आओगे तो आपको बजट में पड़ जाएगा, बाहर से भी सस्ता। जो लोग घर से निकालना नहीं जानते हैं, मोटे हो गए, वो लोग आओ मंडी पे घूमो। भाई देखो यहाँ पे रिटेल में भी मिल जाते हैं, आप आओगे तो एक दाना भी लेके जा सकते हो इनसे ना। तो क्या रेट है बाबू जी? 25 रुपए किलो। 25 रुपए किलो, मात्र 25 रुपए किलो, मतलब 5-7 रुपए रख के ये लोग देते है। बिल्कुल 2-3 रुपए। ओके ओके, कोई बात नहीं। कहाँ का माल है ये? बरेली का। बरेली का माल है भाई, ये लंबे दाने वाले भी बहुत अच्छा होता है। तो देखो यहाँ पे गोल दाने वाले भी है, और आगे चलते हैं। गाइस देखो यहाँ पे ये लाल पीली वाली शिमला मिर्च क्या रेट दे रहे हो? 150-180। ये 150 वाली? ये 180 वाली। तो ये देखो, देखो ग्रेड में आपको पता चलेगा, साइज में पता चल जाएगा, और देखने में देखो ये ऊपर खाबर ज्यादा है, ये एकदम शेप में बना हुआ है जो इसका शेप होता है। इसका भी हल्का सा दागी लगा हुआ है, इसलिए इसका रेट कम, स्क्रेच माल है ना। तो ऐसे ये होलसेल रेट क्या है वो बताओ ना तुम लोग। जो रेट हुआ है 130 चल रहा है। देखो मेरे ना बेंगलोर से जुड़ा हुआ है, हमारे पास जो बेंगलोर से माल भेजते है ना वो लोग भी है, मगर हम उनका इंटरव्यू ले नहीं पाते। ये महंगा क्यों पड़ा है? ये 15 अगस्त की वजह से ट्रक आता है, बेंगलोर टू ट्रक से आता है, इसलिए महंगा पड़ गया ये। ओके ओके, ट्रक से आने की वजह से। और जो अभी माल आ रहा है फ्लाइट से आता है? माल कल से जो माल आएगा वो ट्रेन से आएगा। ट्रेन से आएगा, ओके ओके ओके। तो ट्रेन से आता है तो क्या रुपए ले रहे हैं? 2 दिन आगे का पहले का बताओ ना। सुनो सुनो, जो देखो इससे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आज अलग बोला हो गया, रेट का जानकारी नहीं, आज रिटेल में पूछ रहे हैं हम लोग। रिटेलर में ज्वाइन हो इसे, एक्चुअली वहीं से महंगा आ रहा है। क्या रेट मिल रहा है जैसे तुम लेके आ रहे हो, तुम ले रहे हो यहाँ पे आरती से ले रहे हो, जो बड़े आरती वहाँ से जो आ रहे हैं वही रेट आ रहा है, वही रेट बेच रहा हूँ, वही रेट बेच रहे हो। 130 नहीं हो रहा है, कुछ कमाई हुआ नहीं है, ऐसा तो नहीं है। दुकान का किराया भी तो देना है, 30-40 हजार रुपया किराया। हाँ हमें पता है भैया, तभी तो पूछ रहा हूँ। लेबर तो क्या मान लो तुम इसमें 20 रुपए मार्जिन रख रहे हो या 30 रुपए? अभी 2-3 दिन से कुछ कमाई धमाई नहीं, 2-3 दिन से कोई कमाई धमाई नहीं। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। नुकसान भी होता है, बारिश का सीजन है, माल दागी होता है, इतना सारा दागी हो गया। ओके, दागी माल है, कोई काम नहीं है, सब दागी है, दागी माल है, खराब हो गया, ये तो लॉस होता ही है। इसमें बर्बादी भी है, जितना भी ये जो इम्पोर्टेड आइटम है, चाइना आइटम है, ये सारा खराब बहुत होते है ना, ठंडी समय 30% खराब होते हैं भाई, 30% ये माल ना खराब हो जाते हैं, तो बिकते कम है ना, बहुत महंगा होने की वजह से बिकते कम है, तो ये माल है। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो बाबूजी ये इसका क्या नाम बोलते हैं बताइएगा मुझे, मैं तो भूल भी जाता हूँ इसका। इसका नाम कमल ककड़ी है। कमल ककड़ी, ओके ओके। ये कच्चा खाया जाता है, इसे पका के इसका अचार पड़ता है, पकौड़े बनते हैं, सब्जी बनती है, कबाब बनते हैं। ओके ओके ओके, बहुत कुछ बनता है मतलब। तो ये कहाँ का माल है? ये पंजाब अमृतसर। ओ अमृतसर, पंजाब से आया हुआ है ना। तो गाइस देखो ये ग्रेडिंग कर रहे हैं ना आप, तो गाइस ग्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और ये पानी में होता है ना। ये पानी में होता है जी, तो इस तरीके से मैं उठा के भी देखता हूँ। देखो भाई इस तरीके से मीठा लगता है या कच्चा, कैसा लगता है? ये फीका लगता है। फीका लगता है, ओके ओके, थैंक यू बाबू जी, थैंक यू। और क्या रेट दे रहे हो ये भी बता दो। का रेट है 10 रुपए किलो लेके 80 रुपए किलो तक, 10 से लेकर 80 रुपए किलो तक का जा रहा है। 10 रुपए वाला कौन सा? 10 रुपए किलो वाला ये है, ये 10 रुपए किलो वाला, और इससे ऊपर 100 रुपए किलो, ये 100 रुपए किलो वाला, बहुत बढ़िया माल, जो दोनों तरफ से बंद है।
ना। ओके ओके, ये 80 रुपए किलो, ये 80 रुपए किलो भाई। देखो वो कट पीस है, कट पीस है। चलो थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। तो गाइस देखो ये माल, देखो ये है कौन सा चना बोलते हैं इसे? इसको मोट बोलते हैं, मोट। मोट मतलब सारा मिक्स चना है, इसमें मिक्स कर रखे ना दो वैरायटी। ये दाल वाली है, मसूर का, मूंग का दाल है ना। और यहाँ पे भी है देखो, ये क्या रेट दे रहे हो? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो पैनेट, ये एक बॉक्स 12 रुपए का। 12 रुपए का एक, 12 रुपए का देखो। अरे कौन, अरे कोई बात नहीं, पेट दिखाओ, अच्छी बात है, पेट दिखा रहे हैं। हाँ, अरे ये कौन, 100 रुपए किलो। ये कितने का है? 200 ग्राम, मतलब 20 रुपए, 200 ग्राम 20 रुपए। तो गाइस देखो आपको रेट का अंदाजा लग गया है। आप आओगे सी ब्लॉक, ये सॉरी डी ब्लॉक का 420 नंबर शॉप के पीछे, ये यहाँ पे लगता है, ये एरिया है अंदर का। और यहाँ पे केले का पत्ता कहाँ मिलता है? केले का पत्ता मिलेगा ना? हाँ, ये अगले वाले में ना, अभी केले का पत्ता भी दिखाएंगे। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू भाई। यहाँ पे ड्राम स्टिक सजना मिल जाएगा और जिमीकंद मिल जाएगा। तो आइए इनको भी पूछते हैं रिटेल में क्या रेट को मिल रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे 1-2 किलो मिल जाएगा, शायद मिल जाएगा ना भैया। तो सजना क्या रेट दे रहे हो? 100 रुपए किलो। और ये जिमीकंद 80 भाई, जिमीकंद 80 और सजना जो है ड्राम स्टिक 100 रुपए किलो। थैंक यू भैया। तो गाइस देखो मैं पीछे का भी चीजें दिखाता हूँ, देखो माल कितना खराब हो रहा है, तो सारा माल खराब हो गया। तो ये क्या रेट तो जा रहा है ये भी पूछता हूँ, ये क्या रेट तो जा रहा है भैया जी? 40 रुपए, ये भी 40 रुपए किलो। हाँ, ये वाली इसका कोई रेट नहीं है, फेंका जाएगा ना। तो ये तो कौन लेके जाता है? ये तो होटलों में जाएगी भाई, देखो ये माल होटलों में जाएगा देखो। तो गाइस देखो मैं बोलता हूँ जितना हो सके आप लोग घर का खाना खाइए। तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखो इस एरिया में ना बैठे हुए सारे, तो ये लोग ना सारे देखो जितने भी माल जो गिर जाते हैं वो माल उठा के लेके आ जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आलू मिलेगा, देखो आलू सही रेट में मिल रहा है, 30 रुपए किलो मिल जाएगा यहाँ पे, मगर 30 रुपए ज़्यादा है मेरे हिसाब से, 25-25 रुपए होगा तो ठीक है। और यहाँ पे देखो भैया जी छाट के ले जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी है आलू मिल जाएगा, और यहाँ पे लहसुन भी है। लहसुन भाई ये 180 किलो है भाई, लहसुन है, ये भी ठीक ठाक लहसुन है भाई, ये भी ठीक ठाक है। कुछ देखो भाई माल में हल्का सा तो शिकायत रहता ही है इन मालों में, तो बार्गेनिंग करोगे तो दे देगा। तो आज मैं लेने आया हूँ यहाँ पे क्या, अनानास। तो देखते हैं आज छोटा वाला छाट लेके जाएंगे, जो ये 2 नंबर माल है ना भाई, बाबू जी। हाँ ये वाला भाई मैं दिखा देता हूँ, तो ये देखो पीछे वाला भाई, ये वाला अच्छा माल है, पीछे वाला माल है भाई ये। हाँ ये लेके जाऊँगा और ये कैसा लगता है ये भी बताऊँगा। और देखो ये क्या रेट के दे रहे हो बाबू जी आज? ये 60 रुपए चल रहा है। और ये वाले 65 से 70। और राजा चल रहा 30 से 40 रुपए। तो मीठा कौन सा है? मीठा यही है। और वो मीठा है नहीं राजा? वो खट्टा मीठा होता है। खट्टा मीठा जो है, मैं तो खट्टा मीठा ले जाना पसंद करूंगा, क्योंकि भैया पहले मैं ले गया था तो ये वाला बहुत मीठा ज्यादा था। और ये खा सकते हो, ये किस चीज में काम आता है ये भी बताता हूँ। अगर आपका जो है ना मतलब स्टेमिना बढ़ाना है, आपका बॉडी में जो स्पेम का खुशबू आता है वो अलग, अगर बढ़िया बनाना है तो ये खाओ। मोटापा बढ़ा हुआ है तो उसको घटाने में, हाँ ये भी लाभदायक है वो है, उसके लिए ये राजा खाओ, राजा रानी दोनों दोनों ही खाओ, मगर ये हल्का मीठा होगा। और जो शुगर के लिए वो सही है, राजा सही है, और रानी ये उनके लिए है जो स्वाद लेना चाहते है। हाँ, और दोनों मिक्स करके भी खा सकते हो। और यहाँ पे आओगे तो एक पीस भी दे देंगे भैया जी, क्योंकि ये बढ़िया होता है। और ये राजा मजबूत ज़्यादा होता है, ज़्यादा टिकाऊ यही होता है ना। हाँ ये ज़्यादा टिकाऊ होता है, और रानी हल्का सा पका हुआ आता है, तो इसलिए इसका जो टिकाऊ है ना ये भी टिकता है, ऐसे नहीं है खराब। लेकिन ये क्या है कि दूर से आता है, दूर से आता है। इसकी गाड़ी जो राजा की है वो दूसरे दिन आ जाती है। हाँ। और इसकी जो गाड़ी रानी वाली जो है वो हाँ। 4 दिन लग जाता है, 4 दिन लग जाता है, 4 दिन में वो रास्ते में गाड़ी में ही आधा पक जाता है। ये फिर यहाँ कम बचता है, ओके कम बचता है। इस गाड़ी पे इनाम भी होता है तगड़ा,
तगड़ा इनाम है। क्या इनाम? रानी पे होता है। क्या इनाम होता है? जल्दी से जल्दी अगर गाड़ी यहाँ पहुँचा दे ड्राइवर तो उस पे 20,000, 25,000, 15,000, 10,000 इनाम रख दिया जाता है। ड्राइवर को ही? ड्राइवर को। ड्राइवर को अच्छी बात है, वो जल्दी पहुँचा दे, माल ताजा यहाँ ग्रीन पहुँच जाए। ग्रीन पहुँच जाए। ग्रीन माल का रेट होता है। ओके ओके। रेट होता है, ग्रीन माल का रेट ज्यादा होता है। ज्यादा होता है, जैसे मिर्चियों में ग्रीन मिर्ची लोगे, हरा मिर्ची लोगे तो वैसे ही इसका भी ग्रीन का रेट, ग्रीन का रेट ज्यादा है। ज्यादा है। और जो येलो है, येलो का रेट कम है। कम है तो गाइस का रेट कम है। कम है तो गाइस देखो, पीले होने से रेट कम हो जाता है, मगर सही रेट है। ये भी हमारे तरफ जो है ना, ये ऐसे साइज में मिलता है, मीडियम साइज। इंडिया में जो रानी है वो एक ही जगह होता है। हाँ, वो केरला में होता है। केरला, कर्नाटक साइड में, तमिलनाडु साइड में होता है। अगर ये पूरे भारत में और जगह होने लगे तो इसका रेट थोड़ा डाउन हो जाए। हाँ, डाउन हो जाए। ये 20-22 रुपए, 25 रुपए, 30 किलो रुपए, इधर से राजा का जैसा इस टाइम में आ जाए। हाँ, राजा का जैसा ऊपर जाएगा ही नहीं, 40 के ऊपर जाएगा ही नहीं। हाँ, राजा कभी भी 40 के ऊपर जाता ही नहीं है। जाता ही नहीं है, ये याद रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा महंगाई होगी तो 40 तक पहुँच जाए, 40 से 40 ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि ये एकमात्र, ये सभी जगहों में होता है, मगर ये और दूसरे दिन आज गाड़ी लोड हुई, कल पहुंच गई, कल पहुंच गई, नजदीक में पड़ता है। हाँ, नजदीक 24 घंटा या 48 घंटा लगता है, बस ज्यादा नहीं। दूसरे दिन, तीसरे दिन हमें माल बेचना। रानी है तो ये 4 दिन लग जाएगा। हाँ, इसके लिए इसका रेट हल्का है। सोचेगा भी कि हम गाड़ी अभी मंगा ले, कल मंगा ले तो मंगा नहीं सकते। हाँ, उसके लिए पहले एडवांस लोडिंग कराना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आने में 4 दिन लग जाएगा। हाँ, तो इसलिए यहाँ की जो रानी का रेट है ये बहुत ऊपर हाईएस्ट रेट चला जाता है। 100-150 रुपए किलो तक चला जाता है। मंडी में माल ना हो तो 150 रुपए किलो तक पहुँच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस, आज मैं लेने आया हूँ, ये ब्लॉग में रेट बताने के लिए नहीं है। आज ये होलसेल रेट नहीं बताया जा रहा है, बस ये, बस मैं आया हूँ लेने, तो उसी चलते चलते चलो भाई, आज आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो मिलता है या नहीं। देखो, मैंने आलू लिया है तो 3 किलो आलू है, इसमें 3 किलो आलू मुझे मिल गया, मतलब 40 रुपए में। मतलब ये जो छाट वगैरह निकलता है वो लिया हुआ, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, खराब हो जाएगा तो। आज मंडी में जो है ग्राहक नहीं है। ग्राहक भी नहीं, बंद भी है मंडी, तो बंद है, बंद है 15 अगस्त के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा बहुत जिसको जरूरत है, इमरजेंसी है। हाँ हाँ, उसके लिए मैं बैठा हूँ आज। बिल्कुल बिल्कुल, तो माल है तो खराब हो जाए, इससे बढ़िया कुछ हो जाए, और प्लस ड्यूटी, ड्यूटी होती है। हाँ, ड्यूटी, ड्यूटी होती है, ड्यूटी लगानी है, लगानी है। कोई आ गया इमरजेंसी है जिसको, उसको जरूरत। बिल्कुल ना, ना जो कुछ लोग तो होटल वगैरह तो खुली रहेगा, वो लोग तो लेके जाते हैं। बिल्कुल, तो सुबह कुछ लोग ले भी गए, लेके जाते ना, ना, है। ना जैसे कल पर्ची काट लिया है कुछ का, डबल सप्लाई दे दिया। हाँ, डबल सप्लाई भी दिया हुआ है कई जगह में, ज्यादा माल दे दिया था। हाँ, आज का हिस्सा भी दे दिया ना। आज भी कुछ लोग है, मैं देख रहा हूँ, अभी लगा के बैठे हुए है, जो लेने वाले है, ट्रक में लोडिंग कर रहे है, छोटे छोटे जो पिकअप वगैरह है। तो चलिए आगे बढ़ते है और अभी लेके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी ना पपीता के एरिया में आ गया हूँ, नेताजी के पास, और यहाँ पे तो जानते हो तिरपाल के वजह से ना ये लाल सा दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर का, और यहाँ पे चेहरा भी साफ नहीं दिखाई देता। तो अभी रियर कैमरे से दिखाता हूँ, रियर कैमरे से भी देखो पपीता दिखाई दे रहा है, बाबूजी को भी दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का सा क्लियरिटी है, लाल सा दिखाई देता है। देखो बाबूजी लोगों, देखो इनको, देखो ये लोग बैठे हुए आज माल लेके अपना, और माल पक गया है, और यहाँ पे चकना भी चल रहा है, चकना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। माल कहाँ है? और माल शायद पानी है, ऐसे ही कौन सा माल चल चल रहा था क्या? भाई आज तो ऐसे चाय चल रहा था, मतलब मेरा चखने का जैसे लग रहा है ना, इसीलिए। तो गाइस देखो पपीता आया, बाबूजी बात कर रहे हैं अभी। और बताइए आज क्या रेट के बेच रहे हो? चाहिए नहीं गाड़ी, गाड़ी तो है, आया तो है, मैं 2 गाड़ी तो देखा है, तो खुली होंगी हमारी नहीं, वही दूसरे का होगा, तो वो तो पता है। आज तो है, छोड़ो रेट, ऐसे क्या माल है जो बचा हुआ माल है? बचा हुआ माल तो 20 से 40 आज तो डिस्काउंट दे देना चाहिए, एक आधा रुपये, जानते हो आज फायदे में रहोगे जिंदगी। आज जलेबी मंगा के बटवा दी, बटवा दो यार, कब बटवा? अभी बटवा दे, बटवा दिया, बाहर दिया, जो सबसे लेट हो गया, मैं लेट हो गया। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बोलता मिले। कितना किलो लाए थे? 1 किलो कितना था? 250 ग्राम 1 किलो 250 ग्राम में क्या होगा? ओहो, आप में बटे, ये नहीं, ये गलत है, कम से कम ये सारे जो इधर आते हैं, ओ सारे आगे इधर के ना। ओके ओके, पड़ोसी आ गए। 1 किलो में नहीं, कम से कम 1,000 रुपये बर्बाद करो आज के दिन में। नहीं, मैं झूठ बोलना हो जाए, झूठ बोलना है ना, ना मैं बोलने के लिए नहीं, मैं तो बोलना वीडियो बनाऊंगा ना उसके ऊपर। देखो बाबूजी माल लेकर आए, मैं तो दिखाता हूँ, मैं तो बोलता हूँ अगर कोई मिल गया, मैं तो दिखाता हूँ ना,
ये कोई यहाँ पे भंडारा चालू कर रखा है, जैसे नारियल वाले का करता है बीच बीच में, मैं ले लेता हूँ, पहुँच जाता हूँ टाइम पे। मंदिर में चल रहा प्रोग्राम आज? मंदिर में चल रहा है, चलते देखते। मेन बात जानते, अकेला रहता हूँ ना, तो क्या है मेरा कपड़े उपड़े धुलाई कौन करेगा, 10 बजे पहुँच जाओ, सारा कुछ कौन करेगा। ये करते करते मैं थक जाता हूँ, करते करते कल रात को 12 बजे सोया। तो शादी कर लो ना। अरे बाबू जी, शादी करके किसी लड़की को क्यों बर्बाद करना, लव रिलेशन में रहो ना। ये तो और भी गलत है, ऐसे नहीं रखना। इज्जत के साथ जब शादी करने का रीति रिवाज है, जहाँ पे दहेज, ऊपर से मैं दहेज भी नहीं ले रहा हूँ, 1 रुपए भी नहीं। मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, थोड़ा समझदार लड़की चाहिए, बोलने वाली लड़की चाहिए, चाहे वो काली हो, गोरी हो, कैसी भी हो, शादी करेंगे। तो गाइस, आज टाइम पास वाला ब्लॉग चल रहा है आज, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना, दोनों चैनलों पर जाके कॉमेंट करना, तो उनको मिल सकता है वॉच, सबको बता रहा हूँ। घड़ी मिल सकता है, डिजिटल घड़ी जैसे ही है, स्मार्ट वॉच मिलेगा, वो भी बढ़िया ब्रांड कंपनी का भी दूंगा। मेरा 5000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, होलसेल दिल्ली वाले में भी, तो सपोर्ट करे जाओ। और हर 5000 में मैं वॉच देने वाला हूँ फ्री, मगर सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, और कमेंट करना होगा। कमेंट मतलब कुछ लिख के भेजो वहाँ पे मेरे वीडियो पे, जा क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या मैं सुधार कर सकता हूँ, और आप कहाँ से देख रहे हो, बस इसके ऊपर मैं दे दूँगा। उस पर लॉटरी होगा, अगर 10 आदमी आया आज के वीडियो में, जो भी कमेंट आएंगे उस पर देंगे, आज के दिन में जितने भी कमेंट आएंगे, और आज के वीडियो में ही होना चाहिए, कल वाले पुराने वीडियो में नहीं, आज के वाले में जो वीडियो डालेंगे, आज से आज 3-4 वीडियो आएंगे, कल के कुछ बचे हुए हैं, तो वो भी वीडियो डाला जाएगा उनमें। तो बाबू जी चलते हैं आज, आज ऐसे घूमते घूमते आ गए।